फ्रेंड्स, वेलकम टू नेहा अग्रता रेसिपी। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी इंस्टेंट मसाला डोसा की क्विक एंड ईजी रेसिपी, जो कि हम बनाने वाले हैं ओट से, गेहूं के आटे से, सूजी से और हमारे बेसन से। सो फ्रेंड्स देखिए, एक मिक्सर जार में मैं ले रही हूँ स्पून गेहूँ का आटा और इसमें अब हम ऐड करेंगे हमारा ओट्स। तो फ्रेंड्स मैं लूँगी यहाँ पर 2 स्पून हमारा ओट्स। ये प्लेन ओट्स है फ्रेंड्स, हमें प्लेन ओट्स लेना है। और अब इसमें हम ऐड करेंगे हमारा 1 स्पून बेसन। और फ्रेंड्स अब इसमें हम 1 स्पून ही हमारा सूजी ऐड करेंगे, रवा। तो फ्रेंड्स अब हमें इसे ग्राइंड कर लेना है। सो फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है और इसका मैंने एकदम बारीक इसको पीस लिया है। तो बस अब आप इसको एकदम बारीक पीस लीजिए। सो फ्रेंड्स बस अब हम इसे एक बोल में निकाल लेते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसे एक बोल में निकाल लिया है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अब इसमें हम ऐड करेंगे हमारा 3 से 4 स्पून कर्ड दही। सो दही को ऐड करने के बाद फ्रेंड्स, हम मैं डाल रही हूँ इसमें 1/2 टीस्पून शुगर पाउडर। सो फ्रेंड्स हम इंस्टेंट डोसा बना रहे हैं, इसलिए मैंने शुगर पाउडर का यूज़ किया है। सो बस अब इसे अच्छे से मिला लेंगे फ्रेंड्स, और इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम वाटर ऐड करेंगे और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसका एक हमें बैटर रेडी करना है और आप ध्यान रखें वाटर थोड़ा थोड़ा करके ही मिलाएं ताकि इसमें लम्स ना बने। सो एक विस्क की हेल्प से मैं इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी और वाटर हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, हमें हमारे डोसे की बैटर की कंसिस्टेंसी ठीक उसी तरह से रखनी है जिस तरह से हम जब हमारा चीला बनाते हैं हम उसके बैटर की कंसिस्टेंसी रखते हैं, जो कि ना ही बहुत गाढ़ा होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा पतला। सो बस देखिए, कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी हम इसकी रखेंगे। सो फ्रेंड्स, हमारा बैटर रेडी हो चुका है। अब हम इसे एक साइड में रख देते हैं और हमारे मसाला डोसा के लिए हम स्टफिंग बना लेते हैं। सो एक पैन में मैंने लिया है 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, उसमें मैंने 1 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स को ऐड किया है और 1/2 टीस्पून इसमें डाला है हींग पाउडर। अब इसको डालने के बाद फ्रेंड्स, इसमें डालूंगी मैं 2 चॉप्ड अनियन। इसे हमें लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। और अब हम इसमें फ्रेंड्स ऐड कर देंगे हमारे 2 चॉप टमाटोज। और इसे भी हम बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे फ्रेंड्स, बहुत हल्का सा हम इसे भूनेंगे। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं हमारा 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर और थोड़ा सा हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग से, और रेड चिली भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग से इसमें ऐड कर लीजिएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा सांभर मसाला 1 टीस्पून। सो बस फ्रेंड्स, अब हमें ये मिला लेना है इसमें अच्छे से। सो बस फ्रेंड्स, अब हम ऐड कर देंगे हमारे बॉइल्ड पोटैटोज। सो फ्रेंड्स, मैंने ये 2 बॉइल्ड पोटैटोज लिए हैं। इसको भूनने में आपको बस 1 से 2 मिनट्स लगने हैं फ्रेंड्स। बस इसे बस हम इसको जो पोटैटोज़ हैं उनको अच्छे से इसमें मैश कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो ये मसाला डोसा की जो फिलिंग है वो रेडी हो चुकी है। सो फ्रेंड्स, अब हमारा जो ये बैटर है इसमें हम ऐड कर रहे हैं हमारा 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। सो फ्रेंड्स बस अब बेकिंग सोडा हम इसमें ऐड करने के बाद अब हमारे डोसा बनाना स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, जो हमारा ये तवा है इसका हमें बहुत ध्यान रखना है। पहले हम ये हाई फ्लेम पर इसको बहुत अच्छे से गरम कर लेंगे, उसके बाद हम इस पर ऑयल डालेंगे फ्रेंड्स, और पूरे तवे पर हम अच्छे से ऑयल को फैला देंगे। इसके लिए फ्रेंड्स हमें कॉटन क्लोथ या फिर टिश्यू पेपर लेकर कुछ इस तरह से पूरे हमारे तवे पर ऑयल से ग्रीसिंग कर देंगे। सो फ्रेंड्स, अब हम फ्लेम को सिम कर देंगे।
सो फ्रेंड डोसा बनाने के लिए हमारे जो तवे का टेम्परेचर है वो एकदम नॉर्मल होना चाहिए, ना ही गर्म और ना ही ठंडा। सो फ्रेंड्स देखिए अभी हमारा जो टेम्परेचर है तवे का बहुत गर्म है, तो हम उस पर थोड़ा कुछ इस तरह से वाटर डालेंगे और हम इसे एक क्लोथ से क्लीन कर देंगे। उसके बाद अब हम हमारा डोसा बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए एक लेडल की हेल्प से हम बिल्कुल सेंटर पर अपने तवे के अपना जो बैटर है उसको डालेंगे और बीच सेंटर में लेडल को रखकर कुछ अंदर से बाहर की तरफ इस तरह से घुमाएं। सो देखिए फ्रेंड बस कुछ अंदर से बाहर की तरफ हमें कुछ इस तरह से अपने डोसे को फैलाना है। और देखिए फ्रेंड्स मैंने अब इसमें ऑयल नहीं भी डाला है तो भी ये देखिए बिना ऑयल डाले ही निकल गया है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसके किनारों पर थोड़ा ऑयल डाल सकते हैं। मैं बिल्कुल ऑयल फ्री बना रही हूँ इसलिए मैंने ऑयल का यूज़ कम किया है। अब हम हमारी जो मसाला डोसा की जो हमारी फिलिंग है, स्टफिंग है, हम उसको इसमें कुछ इस तरह से लगा देंगे। और फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है हमें ये मीडियम फ्लेम पर ही सेकना है। सो फ्रेंड्स देखिए बस अब हम इसको पलट देंगे और ये देखिए फ्रेंड्स हमारा जो डोसा है उसका कितना अच्छा कलर आया है। सो फ्रेंड्स बस कुछ इसी तरह से आप भी अपना डोसा बनाइए और अब इसको हम पलट कर बोथ साइड से चेक कर लेते हैं। सो देखिए फ्रेंड्स हमारा ये दोनों साइड से बहुत अच्छे से सिक चुका है, देखने में भी एकदम क्रिस्पी लग रहा है। सो फ्रेंड्स आप इसको सर्व कीजिए सांभर के साथ और नारियल चटनी के साथ, जिसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो आप भी बनाइए इस तरह से अपना इंस्टेंट मसाला डोसा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। सो एंजॉय इट, थैंक यू।